हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू विम्सी क्राफ्टर। विम्सी क्राफ्टर में आप सभी का स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज मैं आप लोगों के साथ मेरा गार्डनिंग हॉल इस साल के लिए शेयर करूंगी। आई विल बी शेयरिंग विद यू पीपल माय गार्डनिंग हॉल फॉर द ईयर 2021, बिकॉज विंटर्स आर ऑलरेडी अराउंड द कॉर्नर। सो बिफोर आई गेट स्टार्टेड, आई हैड प्रॉमिस दैट आई विल बी शेयरिंग स्टेप बाई स्टेप हाउ आई सेट अप माई गार्डन। सो आई हैव ऑल दीज प्रोडक्ट्स विथ मी। मोस्ट ऑफ इट आई हैव बॉट ऑनलाइन because I really didn't get time to, you know, go outside and shop. Gardening करने के लिए जो जो चीज़ों की ज़रूरत होती है usually सारे चीज़ें यहाँ पर हैं। ज़्यादातर चीज़ें मैंने online ख़रीदे हैं क्योंकि ज़्यादा time मिलता नहीं है ये सब बाहर से लेने के लिए। So मैं कोशिश करूँगी इन सब products के link आपको description में provide करने के लिए। और मेरे पीछे ये जो railing आप लोग देख रहे हैं, इस railing को सजाना मेरा प्लान है, उसी के मुताबिक मैंने शॉपिंग किया है। मैं बेसिकली टेरेस में ही गार्डनिंग करती हूँ। आई यूजुअली यू नो सेट अप माय गार्डन ऑन माय टेरेस। दैट वाज द सेम थिंग व्हेन आई वाज इन माय मेडन होम, एंड नाउ व्हेन थिंग्स हैव चेंज्ड, द सेटिंग हैज चेंज्ड, द गार्डन स्टिल यू नो इज कन्फाइंड टू द टेरेस। पहले शादी से पहले जब मैं गार्डनिंग करती थी तब भी टेरेस पे ही मेरा गार्डन था, अभी भी वही है नए घर में शिफ्ट होने के बाद। सो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, जितना भी है आई एम सेटिस्फाइड विद दैट। एंड आई थिंक आप में से जो लोग ऐसे टेरेस में गार्डनिंग करते हैं उन लोगों के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद होगा। सबसे पहले मैं पॉटिंग मीडिया जो बनाऊंगी उसका इंग्रेडिएंट्स मैं आपको दिखाती हूँ। दिस इज़ व्हाट आई विल यूज़ फॉर माई पॉटिंग मीडिया। दिस इज़ कोको पीट। यू पीपल आर ऑलरेडी वेल वर्स्ड विद कोको पीट। आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन हाउ टू यूज़ दिस। एंड यहाँ पे सॉइल मिलना बहुत मुश्किल है, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट होल्ड ऑफ गुड क्वालिटी सॉइल ओवर हियर। सो यू नो दिस इज़ अ वेरी गुड सब्स्टिट्यूट, वी ऑल नो इट वेरी वेल। सो एंड आई लव यूजिंग कोको पीट। इट इज़ अ मल्टीपर्पज मीडिया एंड यू नो इट्स वेरी वेरी अफोर्डेबल ऑल्सो। सो आई हैव गॉट दिस ऑफ अमेजोन। सो आई हैव गॉट एक्चुअली टू ब्लॉक्स ऑफ इट। सो दीज आर द टू ब्लॉक्स दैट हैव गॉट। मैंने दो ऐसे ब्लॉक्स खरीदे, ये ऑफर में थे, बहुत चीप मिला है मुझे। सो ये दो मेरे बेस होंगे पॉटिंग मीडिया का। कोकोपीट के बाद मैंने जो ख़रीदा है वो भी एक पॉटिंग मीडिया ही है, क्योंकि मैं अभी ऑर्किड्स में ज़्यादा इंटरेस्ट रखती हूँ, इसीलिए ये पॉटिंग मीडिया मैंने रिसेंटली ख़रीदा है। बिकॉज आई एम रिसेंटली टेकिंग अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन ऑर्किड्स, सो आई गॉट अ न्यू काइंड ऑफ पॉटिंग मीडिया। दिस इज़ लेका। आई हैव ऑलरेडी शोड यू हाउ टू मेक अ सेल्फ वाटरिंग सेटअप यूजिंग लेका। So if you haven't watched the video yet, you click the I button up here. So I'll link the video right there. And आप लोग please नीचे comment करके मुझे बताइए आप लोग कहाँ से ये video देख रहे हैं। मैंने आपको पहले ही एक self watering setup बनाना सिखाया है orchid का using this potting media. So ये potting media भी बहुत multipurpose है, सिर्फ एक ही पर्पस में काम आता नहीं है, बहुत सारे ऐसे पर्पसेस हैं गार्डनिंग के यू नो रिलेटेड जिसमें ये यूज़ होता है। तो ये भी मैंने अमेज़ॉन से ही लिया है। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत ही चीप है कंपेयर टू अदर ब्रांड्स। ये भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगी। मैंने जो जो ऑनलाइन ख़रीदा है सब मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगी। नेक्स्ट जो मैंने ख़रीदा है ये आई थिंक सबके घर में होना चाहिए, एंड दिस इज़ वेस्ट डिकम्पोज़र। ये इफ़को ब्रांड का है, ये हमारे इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइज़र कोऑपरेटिव नाम का एक कंपनी है, ये गवर्नमेंट बैक्ड कंपनी है, और उनका ये प्रोडक्ट बहुत कमाल का प्रोडक्ट है। दिस इज़ अ किचन वेस्ट डिकम्पोज़र बाय इफ़को, एंड इट्स अ गवर्नमेंट बैक्ड कंपनी विच मैन्युफैक्चर्स फर्टिलाइज़र्स एंड पेस्टिसाइड्स फॉर फार्मर्स। सो दिस प्रोडक्ट इज़ really amazing. I have been using this for quite some time now. बहुत ही कमाल का product है ये, और हमारे घर में जो हर दिन जो waste generate होता है, जो vegetables के जो छिलके हैं वो सब कुछ, fruits के जो peels है वो सब एक container में भर के इसको मिलाने से बहुत ही जल्दी वो compost तैयार हो जाता है। So ये मैंने use करना start कर दिया है, and आई थिंक आई विल मेक अनदर वीडियो ऑन दिस ऑल्सो। इस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊँगी। सो आप लोग देखते रहिए मेरा चैनल।
और नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा कि आप कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं। मैं आप लोगों के लिए ही अभी बाइलिंगुअल वीडियोस बना रही हूँ। डोंट फॉरगेट टू कमेंट बिलो वेयर यू आर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रॉम। आई हैव कैटेगोरिकली मेंशन्ड इन माय प्रीवियस वीडियो दैट ऑल माय वीडियोस नाउ विल बी बाइलिंगुअल, सो आई रियली नीड योर सपोर्ट। ओके, आई एम ऑब्सेस्ड विद इफ्को। इफ्को का प्रोडक्ट्स मुझे इतना ज़्यादा पसंद है कि मैं कभी कभार शॉपिंग जब करती हूँ ऑनलाइन, इफ्को का कुछ नया प्रोडक्ट दिखता है तो मैं ले लेती हूँ। ये बहुत यूज़फुल एक प्रोडक्ट है, इसका नाम है एज अ पावर। ये एक बायो पेस्टिसाइड है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम बायो पेस्टिसाइड है, और इसका मेन इंग्रेडिएंट है नीम एक्सट्रैक्ट। नीम इज़ अ वेरी वेल नोन पेस्टिसाइड, वी नो। नीम के पेड़ का जो एडवांटेजेस है पेस्ट्स को हटाने में, वो हम सभी जानते हैं। तो नीम का ही कॉन्सेंट्रेटेड एक्सट्रैक्ट है ये एज अ पावर, और जितने तरह के बेसिक पेस्ट्स होते हैं पौधों में उसको ये टैकल करता है। ये बहुत कमाल का प्रोडक्ट है एंड बहुत अच्छे रिव्यूज़ है इसके। मैंने इसको अभी तक यूज़ नहीं किया है, बट आई विल बी यूजिंग इट वेरी सून। दिस हैज रियली गुड रिव्यूज, सो आई एम रियली ईगर एंड एक्साइटेड टू यूज़ दिस। एंड ऑब्वियसली व्हेन आई यूज़ अ न्यू प्रोडक्ट आई मेक अ वीडियो रिव्यू ऑफ इट, सो दैट यू पीपल कैन मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन। सो ये मेरा सेकेंड परचेज है। इफ्को का प्रोडक्ट लोकल नर्सरीज में मिलता है, ऑनलाइन भी मिलता है, इफ्को का खुद का वेबसाइट है वहाँ पर भी मिलता है। अमेजोन पे ये हमेशा ऑफर्स में रहते हैं, सो इसीलिए मैं ये प्रोडक्ट्स अमेजोन से ही खरीदती हूँ। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है ये भी इफ्को से है। ऐसा लग रहा है कि मैं इफ्को का प्रमोशन कर रही हूँ, पर ऐसा कुछ नहीं है। ये मैंने पहले से यूज़ किया है इसीलिए मैं ये प्रोडक्ट्स यूज़ दिखा रही हूँ। इट्स सीम्स लाइक आई एम प्रमोटिंग द ब्रांड इफ्को हियर, बट इट्स नॉट रियली सो। आई रियली पर्सनली लाइक दीज प्रोडक्ट्स, दैट इज़ वाई आई एम प्रोमोटिंग देम। सॉरी, नॉट प्रोमोटिंग देम, आई एम शोइंग देम टू यू। आई हैव बॉट देम, ओके। सो दिस इज द प्रोडक्ट दैट आई हैव ब्रॉट फ्रॉम इफ्को। This is वर्मी कम्पोस्ट, but it is a seaweed fortified वर्मी कम्पोस्ट। Seaweed is a very good growth promoter and regulator in plants. We all know that. Orchids में भी seaweed बहुत काम आता है, हमें पता है। Seaweed बहुत ही अच्छा एक ingredient है plant के growth को boost करने के लिए, हमें पता है। ये जो वर्मी कम्पोस्ट है इसमें seaweed डाला हुआ है पहले से ही, और ये 5 kg का एक packet है। 300 rupees इसका प्राइस आता है, पर मैंने एक लाइटनिंग डील में अबाउट 15 kg वर्मी कंपोस्ट ख़रीदा था, और बहुत ही कम में मुझे मिला था। सो अगर टोटल प्राइस 900 मिल होता था तो मुझे अराउंड 650 या 700 में मिला था। ऑफ़र देख के ही मैं ख़रीदती हूँ, पर लोकल नर्सरी में भी ये अवेलेबल है। तो इफ़को के इस वर्मी कंपोस्ट का बैग मैंने 3 ऑर्डर किया है, क्योंकि आपको मैंने पहले कोकोपीट दिखाया। कोकोपीट के साथ यूज़ करके मैं एक लाइट वेट सॉइललेस पॉटिंग मीडिया बनाने की कोशिश करूँगी, तो उसमें इसका इस्तेमाल होगा, ज़्यादा लगेगा, ये यही बेस होगा। तो इसीलिए मैंने इसको ज़्यादा क्वांटिटी में ख़रीदा है। फाइनली ये रेलिंग प्लांटर्स मैंने ख़रीदे हैं। अमेजोन में तरह तरह के रेलिंग प्लांटर्स मिलते हैं, बट मुझे लगता है कि वो थोड़े ज़्यादा ही एक्सपेंसिव है। मेटल रेलिंग प्लांटर्स होते हैं वो, और 3 का सेट 4 का सेट 1000 रुपये 900 रुपये में मिलता है। पर आपको बिलीव नहीं होगा मैंने इसको कितने में ख़रीदा। ये बहुत ही बड़ा है, और ये एक पीस मुझे 30 रुपये में मिला है। बहुत ही अनबिलीवेबल प्राइस है। एक्चुअली यहाँ कोलकाता में ऐसे छोटे छोटे कार्स में लोग तरह तरह के प्लास्टिक की चीज़ें लेके घूमते हैं, और उसका प्राइस बहुत ही चीप होता है। 30 रुपये में 20 रुपये में 100 रुपये में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलते हैं। ये यूजुअली रिसाइकल्ड प्लास्टिक मटेरियल से बना हुआ होता है। यूजुअली इन कोलकाता व्हाट हैपेंस इज देर आर पीपल हु यू नो प्लाई डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेयर्स, एंड दे आर यूजुअली वेरी वेरी चीप, एंड यूजुअली दे आर यू नो सोल्ड, these things are made of recycled plastic material, so they are automatically very cheap. You get stuff for you know 30 rupees 50 rupees 20 rupees 100 rupees. so un logo se hi maine ye kharida hai. ye 30 rupees per piece hai, ye maine local vendor se hi kharida hai. aap agar hardware ke shop mein
आप अगर पूछेंगे तो वहाँ पे भी ये लोग रखते हैं, और ऑब्वियसली नर्सरीज में तो ये मिलता ही है। ये रेलिंग प्लांटर है, ऐसे हुक है इनके एंड में, क्योंकि वो जो रेलिंग का जो रॉड पीछे देख रहे हैं मेरे, वहाँ पे इसको टांग दिया जाता है इसीलिए। सो दीज आर रेलिंग प्लांटर्स, दीज आर अवेलेबल एट नर्सरीज ऑल्सो, बट द प्राइसेज विल बी हायर ऑब्वियसली। दीज माइट बी अवेलेबल इन यू नो हार्डवेयर स्टोर्स ऑल्सो, सो just look for them, and if you don't find them then obviously online is the option. I have bought another size of these railing planters. These were a set of 10 I think, so I have around 7 over here. One is there hanging in the railing behind me, and there are 3 more, you know, I had bought separately. Those are there in the railing downstairs in my room. So these I got from Facebook Marketplace. ये मैंने Facebook Marketplace से ख़रीदा है, 10 का सेट था। थोड़ा प्राइस ज़्यादा लगा है, अराउंड 60 पर पीस लगा है, स्टिल ये बहुत चीप है। Amazon पे जो मिलता है उससे बहुत चीप है। आप लोग Marketplace पे, Amazon Marketplace पे सर्च कीजिए, वहाँ पे ये रेलिंग प्लांटर्स अवेलेबल है, और आप थोड़ा बार्गेनिंग भी कर सकते हैं सेलर के साथ, तो आपको अच्छा डील मिलेगा। Please look for these planters on Facebook Marketplace, no matter where you are based. If you are watching this video from India or from abroad, it doesn't matter. I'm sure local sellers in your area stock such things. So look for these products on Facebook Marketplace and do bargain. So ये ही मेरा gardening haul था, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा ये video. आप लोग मुझे नीचे comment करके बता सकते हैं आप लोगों ने अपना गार्डनिंग शॉपिंग अभी तक किया है कि नहीं, एंड ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए मेरे चैनल विम्सी क्राफ्टर पे, और मैं जब भी नया कुछ करूँगी इन प्रोडक्ट्स को लेके मैं वीडियो अपलोड करती रहूँगी। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल। आई होप यू पीपल लाइक्ड दिस वीडियो। टेल मी इन द कमेंट्स डाउन बिलो इफ यू हैव स्टार्टेड योर गार्डनिंग प्रेपरेशन फॉर विंटर, बिकॉज इट्स ऑलमोस्ट मिड नवंबर एंड विंटर इज ऑलरेडी अराउंड द कॉर्नर। It's practically very cold today. आज कोलकाता में considerably weather बहुत ही cold है. So weekend है, usually time नहीं मिलता videos बनाने का, क्योंकि by profession मैं teacher हूँ, और अगले हफ्ते से, as in कल से ही school normal classes शुरू होने वाले हैं, तो और भी कम time मिलेगा. उसमें ही जितना time मिलता है I try my level best to shoot videos for you. आप लोगों के लिए मैं वीडियो लाने की कोशिश करती रहती हूँ। सो आप मेरे चैनल पे बने रहिए, और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एंड हैप्पी गार्डनिंग।